चले नीचे ब्रेकफास्ट करने। सामने पहाड़ भी दिख रहे हैं, दोनों नीचे गिर गई है। पगलू सा लग रहा है, चलो पगलू। तो गोलू यहाँ पे पर्स लेके आई है, 100-200 रुपए घूमना जाए। तो मैंने कहा वन मोर चाय। अपने आप इसको स्विमिंग आ गई। चीकू बाहर आ जाओ, निकलेंगे घर के लिए। गर्ल्स के पास पीछे क्यों आ रहे हो? ये जो ये लकड़ सी लेके आई ना, ये छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज की जो नींद थी, नहीं मतलब हमारी कल की जो नींद थी, वो बहुत अच्छी आई हमें यहाँ पे। और अभी बज चुके हैं 9:30, तो ब्रेकफास्ट का टाइम जो है वो यहाँ पे 10:30 तक का है। तो मैं, गोलू, चीना, हम सब उठ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने। चिकू चलो नीचे ब्रेकफास्ट करके आएंगे। बेटी चले नीचे ब्रेकफास्ट करने, चलना है आपको या सोना है? बोलो बच्चे, चलोगे या सोओगे? चलना है, चलना है। तो ऐसा कुछ व्यू है सुबह का, बहुत ही अच्छा व्यू। सामने पहाड़ भी दिख रहे हैं, शिमला के बिल्कुल सामने, बहुत ही सुंदर व्यू है। तो कल रात को ना यहाँ पे कपड़े सुखाए थे, क्योंकि चीकू और चीना पूल में थे और कुछ कपड़े ना यहाँ पे गिर गए हैं। चीना की टी शर्ट और चीकू की शॉर्ट्स दोनों नीचे गिर गई है। तो मैंने गोलू को बोला था, गोलू वहाँ पे एक विक्की रखी हुई थी, मैंने कहा गोलू वही की है? कह रही नहीं नहीं वो की नहीं है, ये की है, ये उठवा ली इसने मेरे से, ये वाली की थी। और इससे जो है डोर लॉक हो गया, अनलॉक नहीं हो रहा है। क्या करती है गोलू? यार मुझे लगा भाई ये की है, पर ये तो वो की है जिससे लाइट आती जाती है। यहाँ जो चीकू है ना, वो देखने कैसे लग रहा है, पगलू सा लग रहा है। चलो पगलू, पगलू चलो। रात को कोलगेट ब्रश करके सोया, रात को इसने इतनी कोलगेट करी थी, 2-3 बार बटे दाँत दिखाना। ओ वाह, क्या चमक रही है, आके देखो उसकी बटे वाली पटाटे वाली। तो सीरियसली गाइस, ये होटल बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अगर आपको अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम, कुछ पल एंजॉय करना है, तो आप यहाँ जरूर आ सकते हैं। और मैं अभी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर आपको अपने साथ ये पूरा जो होटल है वो आपको घुमाती हूँ। बेटा क्या हो गया? वो पायल चीकू ने बाहर देख रहे बाहर। तो ऐसे कैसे बंदर जैसे लग रहे हो बेटा? बाहर में ना बहुत बड़े बड़े क्लासेस है, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। चलो आ जाओ यार, चीकू कहीं भी बैठ जाते हो यार। Oh, ये थोड़ी कोई मतलब होता है, जाएगी जाएगी, ये जाएगी। ओहो तुझे तो कुछ नहीं बता चीना। तो गोलू यहाँ पे पर्स लेके आई है, क्योंकि हमारे पर्स में थोड़ा कैश था, तो हमने ऊपर छोड़ना ना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर फिर भी एक औरतों के अंदर ना, एक औरतों के अपने अंदर ना एक सेफ्टी का वो ज्यादा भूत होता है, इसलिए गोलू साथ में लेके आई। अपना हस्बैंड साथ में नहीं होते ना, तो और ज्यादा सेफ्टी करने का होता है कि यार कुछ मतलब हमसे 100-200 रुपए घूमना जाए। तो यहाँ पे ना मैंने चीकू की प्लेट सजा दी है, चीकू खा रहा है छोले कुलचे, वेफल और मफिन। ठीक ठीक है, स्टार्ट करो, मैं अभी आ रही हूँ अपनी प्लेट लेके। ठीक है बेटा, आप स्टार्ट करो, मैं आती हूँ। मम्मा मेरे लिए बना रहे न्यूट्रेला के साथ, वेफल, तो इसलिए मैं खाऊंगा सब कुछ। और ये मेरा खाना है। चॉकलेट शेक पीना है आपको? आपको चॉकलेट शेक पीना है? हाँ जी। आपको चॉकलेट शेक पीना है? यस। तो चीकू का आप मुंह देख सकते हो, चीकू का मुंह पूरा भर गया है। और ये सब ना गोलू सिखाती है चीकू को। चीकू को नहीं पता था वेफल्स क्या होता है, वेफल्स पे न्यूट्रेला लगा के खाते हैं, इसे कुछ नहीं पता था, गोलू ने बताया इसे। तो जब से मुझे प्रेगनेंसी की न्यूज मिली है ना, चीकू के पापा ने मुझे फुल छूट दी है, फुल छूट। तेरे को जो खाना है खा, जो मन करे वो खा, मन को रोकना नहीं है। वरना कहते हैं बच्चे, अगर हम कुछ खाने से वो करते हैं ना, नहीं खाते हैं, तो बच्चे के लिए राल दिखती है। तो मैं अभी खा रही हूँ आलू पूड़ी, गोलू ने मंगाया आलू का पराठा, उसमें से भी खा लूंगी और दो चार चीजें और देख लूंगी, खीर भी लाई हूँ। पायल मम्मा हाँ जी, मफिन भी खा लो। नहीं वो मन नहीं करता। तो ना पायल को रात को इतना भी टाइम नहीं मिला कि इयररिंग्स उतार के सोए, इयररिंग्स पहन के सो गए। तो अभी ना मैंने पराठा मंगवाया और चीकू ना स्पेशली मेरे लिए बटर खोला है और बोला है मम्मा मैं लगा देता हूँ। आप ऐसे क्यों हो बेटा, इतने स्वीट क्यों हो आप अचानक से? मेरे से ना वो यहाँ के जो असिस्टेंट है, यहाँ के जो वेटर्स है, उसने बोला मैम एनीथिंग एल्स, तो मैंने कहा वन मोर चाय। तो भाई इस लड़के को कुछ भी पिला दो, तभी मैंने इसको बाहर वाले कपड़े घर पे नहीं पिलाती। ये हालत देख लो, चलो ये तो रात की है और ये मुँह की हालत और नीचे भी नुटेला। तो हम सबका ब्रेकफास्ट हो गया एकदम डन और अच्छे से खाना वाना खा लिया। तो अब हम सोच रहे कि काम करते हैं, चीकू को लेकर ना पूल जाते हैं, क्योंकि चीकू के पापा ने कहा था आते टाइम ना चीकू को नीचे वाले पूल में ले जाना। तो नीचे वाले अपने रूम वाले में जाओगे? नीचे नहीं जाओगे, बड़ा पूल है। तो चीकू कह रहा है मैं ऊपर जाऊंगा, तो चले बेटा। यहाँ पर ना चीकू जिद कर रहा है, पायल को बोल रहा है कि मम्मा खीर का बाउल ना साथ में ले चलो, फटाफट चलो पूल में नहाने हैं। ऐसे थोड़ी जाते हैं बेटा, खाने दो। तो चीकू जो है ना भाई, चीकू को पूल इतना पसंद है, खाना खाते ही वो आ गया पूल के अंदर और मुझे भी बाहर गीला कर रहा है। और इसको ना अपने आप इसको स्विमिंग आ गई है, इस लड़के को किसी ने नहीं सिखाया, ये खुद ही सीख गया है ना चीकू। हाँ करके दिखाओ, देखो जी देखो देखो।
चीकू बाहर आ जाओ, मैं यहाँ से देख रही हूँ आप करो, यहाँ से दिखता है सब। जंप नहीं मारना कह रही हूँ, देखो वहाँ पे लिखा है नो डाइविंग। छोटा पिल्ले छोटा पुल है चीकू, लग जाएगी चोट। नहीं करनी, जल्दी से 2 मिनट में नहाओ और आ जाओ। तो गाइस रात को ये वाली एक्स्ट्रा बेडिंग लगवाई थी हमने, और ये था पूरा रूम। ये टीवी पे हमने क्राइम पेट्रोल देखा था, और यहाँ इस बेड पे हम सोए थे। तो मुझे ना 2 दिन से यहाँ पे ऐसे बोलते ना अंदर गले में जलन जलन फील हो रही है, ऐसा कुछ फील हो रहा है। आप ना मुझे कमेंट में बताना मुझे क्या करना चाहिए। एसिडिटी, तो एसिडिटी बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं आई डोंट नो, कि ऐसे यहाँ पे लगता है ऐसे जलन जलन सा अंदर की तरफ, तो ऐसा मेरे को फील हो रहा है। अगर इसका कोई इलाज हो तो मुझे जरूर बताना। तो चीकू ने मंगाए हैं अपने लिए फिर से फ्रेंच फ्राइज, और देख रहा है शॉर्ट्स देखते देखते फ्रेंच फ्राइज खा लेगा, फिर उसको मैं कर दूंगी रेडी और हम लोग निकलेंगे घर के लिए। एंजॉय कर लिया ना आपने पूल में? तो फाइनली हमारे चेकआउट हो रहे हैं, बस अभी पेमेंट करते हैं, पेमेंट करके निकलते हैं। तो चीकू ग्लव्स के लिए इतना मैड है ना, इतना मैड है, इसने वहाँ से होटल से 2 ग्लव्स ले लिए और ना इसने पहन लिए है। एक ये रहा, ये गिरा हुआ आपका ग्लव्स। नहीं मैं बाहर से दिला दूंगी। अच्छा नहीं लगता चीकू, इतने बड़े होटल में आप ये चीप हरकत कर रहे हो। नहीं नो, मैं बाहर से करी, मेरे पेट पे मत मारो, मैं मार दूंगी। हाँ बेटा ऐसे नहीं करते। तो चीकू जो है ना वो इस ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा है, और ये कल जो हम लेके आए हैं वही ड्रेस है जो आज इसको पहनाया, और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इसका ना जो लुक आ रही है ना वो अलग ही आ रही है। हाँ इसमें लुक अच्छी आ रही है चीकू की। चीकू आपने तो बोला है कि मर्द आगे बैठते जेंट्स, तो आप आगे बैठो ना फिर। गर्ल्स के पास पीछे पाँच कह रही हो, गर्ल्स के पास पीछे क्यों आ रहे हो? कोई नहीं, अब बैठ गए आप। तो बस निकल चुके हैं घर के लिए। अभी शांति का भी कॉल आया है, कह रही दीदी कहाँ हो, आ जाओ, क्योंकि हमारे भी ना घर बिल्कुल खाली रहता है, तो उसका भी मन नहीं लग रहा है घर पे। तो मैंने उसको बोला है बस आ गए, निकल चुके हम, रास्ते में हैं। तो आज मुझे जाना था जलंधर चेकअप के लिए, पर क्या है ना कि अभी बज चुके हैं 11:30, तो अब अगर मैं निकलती हूँ तो मैं पहुँचूंगी 3 बजे तक, और 4 बजे जो है डॉक्टर बूढ़ जाती हैं, तो आज तो बिल्कुल नहीं जा पाऊंगी मैं। जाऊंगी कल डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरा जो चेकअप है शायद स्कैन भी होगा, स्कैन तो शायद इतनी जल्दी नहीं होता है, पर चेकअप होगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारी प्रेगनेंसी होने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो देखनी ज़रूरी होती है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डॉक्टर ने मुझे बुलाया है चेकअप के लिए, कल जाऊंगी। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, फटाफट से लिफ्ट आ जाए नीचे, तो हम लोग निकले घर के लिए। तो जिम्मी जो है ना वो कल अकेला था यहाँ पे, मतलब चीकू के पापा और ये था और नितिन भी आया था, तो इसने हमें बहुत मिस किया। आप देख सकते हो इसकी हरकतों से कैसे खुश हो रहा है हम आ गए तो। जिम्मा बच्चे गिर जाएगा, बच्चे गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे बाबू। तो इतना सारा सामान है जो हमने बेड में रखने के लिए निकाला है, ये सारे कपड़े पहने नहीं जाएंगे, और बस बहुत कम कपड़े हमने रखे पहनने के लिए, क्योंकि वैसे भी हम सारे कपड़े पहनते नहीं है, सब ऐसे पड़े रहते हैं, तो ये निकाल के रखे। तो मैं पी रही हूँ नारियल पानी, और गोलू भी पी रही है नारियल पानी। चीकू के पापा ने जूस पिया है। चीकू आपके लिए पराठा बनवा दिया, ठीक है, और चाय। चीकू नाश्ता यहाँ पे वेट कर रहा है, बेटा जल्दी आओ। हाँ आपका चाय पराठा बनवाया, आपका फेवरेट। गुडू आपका जूस पड़ा हुआ पी लो ना। यहाँ पर ना चाय बन रही, भी थोड़ी देर पहले चाय बनी थी, तो मैंने शांति को बोला इसी पतीले में बना दे चाय पत्ती डाल के, क्यों वेस्ट करना। तो अभी सबका लंच भी हो गया, और हमने बहुत ही मजेदार गेम खेली है अभी, जो कि आपको जल्दी दिखने वाली है। और इसी के साथ साथ बस मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ना क्या है, जितना मर्जी तुम होटल में सो जाओ, कोई भी होटल हो, पर नींद इतनी अच्छी नहीं आती, नींद घर पर ही आती है। तो बस अब चेंज करके थोड़ी देर रेस्ट करें। तो हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे 9 बजे, तो अभी बहुत ज्यादा नींद आ रही है मुझे, मैं जा रही हूँ और उठ कर मिलती हूँ आपसे। तो मेरी नींद तो हो गई है पूरी, लेकिन चीकू ट्यूशन से आते ही सो गया है। अब उठेगा, थोड़ी देर खेलेगा कूदेगा, फिर से सो जाएगा, क्योंकि इसकी नींद पूरी होना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लड़का ना टाइम से खुद नहीं सोता, हमें सुलाना पड़ता है इसे बोल बोल के। तो अभी बज गए शाम के 6:30, और मैं भी ना थोड़ी देर के लिए सो गई थी, सोचा सो जाऊं, क्योंकि ना क्या है, बताया था ना कि होटल में अच्छे से नींद नहीं आई थी। तो जैसे मैं उठी, अभी उठते मैंने पायल ने और चीना ने खाए हैं प्याज के परांठे, जो कि इतना सब बच गया, हम सारे के सारे खा गए, बहुत मजा आया परांठा खाकर। आपके लिए देखो मैंने क्या मंगवाया, आपको याद है 2-4 दिन पहले जब मैं आपको नहला रही थी, आपका शैम्पू खत्म हो गया था, तो मैंने आपको अपने शैम्पू से सर धोया था, तो आपकी आंखों में चला गया था। हाँ। तो कितना पेन हुआ था ना। तो पायल देख, मैंने इसके लिए ना शैम्पू मंगवाया, उस दिन ना हमारे पास शैम्पू नहीं था, तो मैंने नो टीयर्स वाला शैम्पू मंगवाया, सही है, ठीक है, इसमें आपको आंसू नहीं आएंगे। और आपके लिए बॉडी वॉश मंगवाया है स्ट्रॉबेरी वाला, और इसके अलावा आपके लिए टो टू टिप मतलब ऊपर से लेके नीचे तक का स्ट्रॉबेरी एक और मंगवाया है। कितना क्यूट है ना चीकू, इसका तो ऑलरेडी एक भरा हुआ रखा है ना, भरा, पर मैंने ना इस बार एक्स्ट्रा मंगवा के रख लिया, क्योंकि जब वो खत्म होता है
फिर मैं मंगवाती हूँ, फिर 3-4 दिन लगते हैं, तो फिर मैंने सब मंगवा लिया है। क्योंकि ना बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे उनको अपना शैम्पू नहीं यूज करना चाहिए, हमारा वाला उनकी आंखों में लगती है ना, अपना बॉडी वॉश यूज करो ना फेस वॉश। तो चीकू के लिए सारा अलग सामान मंगवाया है, तो ये सब उठा के रख दे, अभी तुझे पता नहीं तो फिर ये सारा एक साथ खोल देगा। मैं बस शैम्पू खोल रूँ, कल नहीं लाऊंगी, कल स्कूल जाना ना। ये क्या आपके हाथ में चीकू? मैरिनेट और गोल्ड। तो अभी अभी मेरा दिल कर रहा था कि मैं मोमोज खाऊं, क्योंकि थोड़े दिन पहले ना मोमोज लेके आया था दीपक चीकू के लिए, इतने टेस्टी थे वो, इतने टेस्टी थे। मैंने उस टाइम नहीं खाए क्योंकि उस टाइम मेरी दवाइयाँ चल रही थी, तो आज मेरा मन कर रहा है मोमोज खाने का, तो मैंने अभी भेजा है मोमोज मंगाने के लिए और आएंगे। तो मैंने 3 प्लेट मंगाए क्योंकि चीकू भी खाएगा, चीना भी खाएगी, गोलू भी खाएगी, मैं भी खाऊंगी। 3 प्लेट मंगाया मोमोज और आपको भी दिखाती हूँ, बहुत टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पर ना चीकू को बहुत ज्यादा पसीने आ गए क्योंकि चीकू टपक रहे। बेटा क्यों? पंखा नहीं चल रहा इसलिए चीकू। हाँ पंखा चला देती हूँ। तो मैंने ना चीकू के लिए पंखा चला दिया। तो दोपहर को ना आलू की सब्जी बनी थी, तो अभी बनी है दाल। तो यहाँ पे ना बहुत सारे फ्रूट मंगवाए हैं, मौसम्बी मंगवाई है। बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी में विटामिन सी लेना बहुत जरूरी होता है, ऑरेंज और मौसम्बी बहुत जरूरी है। तो अभी ऑरेंज अच्छे नहीं आ रहे थे तो मौसम्बी मंगवाई है। मोमोज आ गए लेकिन उस दिन वाले नहीं है, कोई और मोमोज है। फिर भी खाने का बहुत मन था तो इसलिए मैं खा रही हूँ। चीकू को बहुत पसंद है मोमोज, लेकिन इसे मिर्ची लग रही है पता नहीं क्यों। तो चीना भी आ गई यहाँ पे लपेटने के लिए। मोमोज कम पड़ेंगे ऐसा लग रहा है। और भी है? चलो शुक्र है और भी है। तो गाइस मोमोज पड़ गए हैं कम। ये जो ये लकड़ सी लेके आई ना, ये वेज कबाब, ये कोई नहीं खा रहा है, तो ये लकड़ से ऐसे कैसे पड़े हैं। पर मोमोज पड़ गए हैं कम क्योंकि मैंने मंगाए थे 2 ही प्लेट, तो पेट नहीं भरा है किसी का भी, नहीं भरा ना पेट, क्या करे। दोबारा मंगवाने का मन कर रहा है, ऑनलाइन मंगा ले, खाने का मन है। ऑनलाइन देखियो जी ना, अगर आधा घंटा लगे तो हम वेट कर लेंगे। उसने तो सर्च भी कर लिया। नितिन को तो एक भी नहीं मिला, वो बेचारा वहां बैठा है, उसको तो एक भी नहीं मिला। तो गाइस सबका खाना वाना हो चुका है और अब हम जा रहे हैं सोने क्योंकि सुबह जाना चीकू को स्कूल। तो ये वाला ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।